राजस्थान में 20 बीमार, 100 घायल, भारी बारिश के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हुई। दिल्ली, पंजाब भी प्रभावित हुआ। कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मंगलवार को अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मंगलवार को राजस्थान के अलवर, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए एक उच्च तीव्रता वाले दल ने कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के ध्रुवों के बाद अलवर में एक बकवास हुआ और पेड़ कारों और सड़कों पर गिर गए, जिससे कई बाधाएं आईं। अधिकारी अभी भी स्टॉक ले रहे हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट भारी नुकसान का संकेत देती है। रिपोर्ट के मुताबिक टोल प्लाजा गिर गया, पूरे क्षेत्र में बिजली काट दिया गया है और कलेक्टर ने सभी स्कूलों को गुरुवार को बंद रहने का आदेश दिया। अलवर के एक कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रभावित होने की क्षतिपूर्ति करने के लिए वसुंधरा राजे सरकार से पूछा। तूफान से प्रभावित सभी के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रशासन को सभी प्रभावित लोगों को मुआवजे के साथ सभी समर्थन प्रदान करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आपदा पर दुख व्यक्त किया और कहा कि जिलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पीड़ितों को सभी संभव सहायता सुनिश्चित करें। राजे ने ट्वीट किया, परिवारों के लिए शोक जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आधिकारिक निवास पर अपने जन्मदिन समारोह को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, हम राज्य में जीवन के नुकसान पर बेहद दुखी हैं और त्रासदी के इस घंटों में पीड़ितों के साथ खड़े हैं। मैं आज अपने निवास पर सभी समारोहों को रद्द कर देता हूं। रक्तदान शिविर और जनहित कार्यक्रम आयोजकों द्वारा जारी रखा जा सकता है। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाली 15 उड़ानें मौसम में अचानक बदलाव के कारण बदल दी गई। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्कीम एट ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल के तूफान और गर्मी की भविष्यवाणी की। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में भारी बारिश के कारण दाना मंडियों में जमा किसानों का गेहूं नष्ट हो गया, क्योंकि वे अपनी फसलों की रक्षा करने में असमर्थ थे। किसान अब अपनी फसलों की रक्षा के लिए सरकार और सुविधाओं से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वे अपनी फसलों को मंडियों से ले जाने की भी मांग कर रहे हैं, ताकि आगे की बर्बादी से बचा जा सके।